तो इस रविवार हम कालीय लीला की चर्चा करेंगे. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में जितने भी असुर आए हैं वो सारे असुर हम में कोई अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो ये कालिया किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है? तीन अनर्थ. प्राइड माने अहंकार, जेलसी माने ईर्ष्या, एंड बैरी भाव माने मेलाशियसनेस. तो हमें ये सारे भाव कभी ज़्यादा मात्रा में है तो किसी किसी में ये भाव सारे कम मात्रा में है, लेकिन ये अनर्थ तो हम में है. अब भक्ति जीवन जो है ये सिर्फ साधना करना, जप करने में सीमित नहीं है. भक्ति जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे अनर्थ को भी कम करना है ना. मैं बहुत बार ये उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से विशाखापट्टनम में हम देखते हैं मछुआरे, बहुत सारे मछुआरे हैं. ये मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, और ये मछली जब बेचने के लिए पकड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मछली को पकड़ेंगे और उसके बाद उसको बेच देंगे. लेकिन जब वो मछली अपने खाने के लिए पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो मछली जो झाल में आ जाती है उसको एक एक को परखेंगे, और जो अच्छी है उसको रख लेंगे, बाकी को फिर से पानी में फेंक देंगे. तो जब हम साधना करते हैं, सोला माला करते हैं, हम सारे नियमों का पालन करते हैं, मतलब हम भगवान के जाल में तो आ गए हैं. लेकिन अब क्या होगा? अब भगवान परखेंगे इसमें सब अनर्थ निकले कि नहीं निकले. साधना से और जब से शायद गोलोक वृंदावन के दरवाजे तक हम पहुँच जाए, लेकिन उसके बाद हमारा परखना शुरू होगा. बोलेंगे इसमें से तो काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर्य की गंध आ रही है, इसको निकालो यहाँ से. तो फिर हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हमें फिर इस संसार में रह जाना पड़ेगा. तो बहुत ज़रूरी है कि भक्ति कोई यांत्रिक प्रोसेस नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ चांटिंग करो, नियम पालन करो तो आप भगवान के धाम में जा सकते हो. भक्ति एक अंदर का प्रोसेस है, मन का प्रोसेस है. भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं मतलब बाहरी रूप से ही कोई परिवर्तन आना नहीं है, अंदर से परिवर्तन आना है, मन में परिवर्तन आना है. ये बहुत ज़रूरी है. ये भक्ति का पूरा मामला मन का मामला है, बाहर का मामला नहीं है. बाहरी रूप से भक्त बनना तो बहुत आसान है. बाहरी रूप से भक्त बनने के लिए केवल 500 रुपये चाहिए. लोई बाज़ार जाइए, 500 रुपये में एक धोती, एक कुर्ता, 20 रुपये का तिलक, 40 रुपये की कंठी खरीद लीजिए, आप बाहरी रूप से देखने में भक्त बन जाएंगे. तो बाहर से भक्त बनना तो 500 रुपये में हो जाएगा. भक्त तो अंदर से बनना है. भक्त तो अंदर से बनना है मतलब अंदर में कोई चेंज आना है, मन को कंट्रोल करना है, मन की रक्षा करना है कि ये मन कहाँ जा रहा है. जो अपनी तन की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है, वो तो संसारी है. जो मन की रक्षा करता है वो संत है. मन की रक्षा करता है संत. मेरा मन कहाँ जा रहा है? मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या मेरा मन भगवान में लगा है, नहीं लगा है? क्योंकि पाप तो हम तन से कम करते हैं, मन से ज़्यादा करते हैं. तन से पाप तो बहुत कम करते हैं, मन से पाप ज़्यादा करते हैं. तो ये पूरा भक्ति जीवन जो है ये मन के इर्द गिर्द है. मन में ठाकुर जी को जगा देनी है, मन में भगवान को बिठाना है. भक्त बनने के लिए कपड़े बदल के भगवा वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को बदलना है. और मन में क्या है? ये सारे अनर्थ है, काम, क्रोध, मोह, मद, ये कहाँ बैठते हैं? इनकी जगह कहाँ है? हमारे मन में वो स्थान करके बैठे हुए हैं. इनको मन से भगाना है. शास्त्र में कहा जाता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज. भक्ति मिलना इतना सरल नहीं है. ब्रह्मांडे भ्रमिते, कोई इतने जन्म जन्म जन्मों से पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा है, कभी भूताल तो कभी आताल, वीताल, सूताल, पाताल, तलाताल, रसाताल, महाताल घूमता रहता है. कोई ऐसा फॉर्चुनेट होगा जिसको गुरु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिल गया. अब वो क्या करना है उस बीज से?
गोटी खेलेंगे। बीज को तो सींचना है, बीज को तो माटी में डालना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, रोज़ उस पौधे को बड़ा करना है। अब जब बीज को डालोगे तो कहाँ डालोगे? एक उपजाऊ भूमि में डालना है ना, फर्टाइल लैंड। ये फर्टाइल लैंड क्या है? जब हमारे हृदय से हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो फर्टाइल लैंड है। जब हम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उसमें पानी भी पड़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये पौधे के आसपास कुछ वीड्स भी उग जाती है। वीड्स माने घास फूस, घास फूस भी उग जाती है। हमने कोई विशेष जतन नहीं लिया है उसको उगाने के लिए, हम तो पौधे को उगाना चाहते हैं, लेकिन आसपास में वो सारे वीड्स उग जाते हैं। अब जब वो आसपास में वीड्स उग जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उस वीड्स को उठाने की कोशिश करें, उसे फेंकना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं उसको छोड़ो, मैं तो पौधा बड़ा हो रहा है ना, मैं पानी डाल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पौधों के साथ में वो वीड्स भी बड़े हो जाएंगे और आपके पौधा को मार देंगे। तो भक्ति जीवन में ये वीड्स क्या है? ये जो काम, क्रोध, अहंकार, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा सब जानता हूँ, मैं सबसे अच्छा सेवा करता हूँ, ये जो अहंकार भी उसके साथ साथ उगता है, वो धीरे धीरे हमारे भक्ति पौधे को मार डालता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे अनर्थ के बारे में भी गंभीरता से सोचते हुए धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश करें। क्योंकि ये सारे अनर्थ मन में है, इसीलिए क्या करना है, मन को पकड़ के भगवान की सेवा में लगाना है। मन को पकड़ के क्या करना है, भगवान की कथा सुनना है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तब धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि हम जिसके बारे में सुनते हैं, धीरे धीरे उसका 1% क्वालिटी हम में आ जाता है। माने अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो 1% उनका क्वालिटी हम में आ जाएगा। हम भक्त के बारे में सुनेंगे भागवत में से, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका 1% क्वालिटी हम में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिरण्यकश्यपु और रावण की कथा सुनते हैं। मैं हिरण्यकश्यपु रावण जो भागवत में आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मॉडर्न हिरण्यकश्यपु और रावण की बात कर रही हूँ। कौन है मॉडर्न हिरण्यकश्यपु और रावण? सिनेमा स्टार्स, फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। उनको कौन सा कलर पसंद है, कौन से दिन में उन्होंने क्या कपड़ा पहना था, हम क्या करते हैं, ये मॉडर्न हिरण्यकश्यपु और मॉडर्न रावण की कथा हम सुनते हैं। भागवत में जो हिरण्यकश्यपु है, रावण है, उनकी कथा सुनने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनकी कथा से हमें भगवान याद आते हैं। हिरण्यकश्यपु की कथा सुनो तो नरसिंहदेव याद आते हैं, रावण की कथा सुनो तो राम याद आते हैं। लेकिन मॉडर्न हिरण्यकश्यपु और रावण से हम संसार में और फंस जाते हैं। उनकी बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। पिछले दिन मैं किसी को ये बता रही थी, तो बोल रही, नहीं नहीं माता जी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छे हैं लेकिन भगवान तो नहीं है ना, बार बार उनकी चर्चा करने से क्या होगा? हो सकता है कोई पॉलिटिक्स में कोई अच्छा आदमी भी हो, लेकिन वो भगवान तो नहीं है ना, उनके बारे में चर्चा करने से क्या फ़ायदा होगा? हमें तो भगवान के बारे में चर्चा करनी है, हमें उनके 1% क्वालिटी चाहिए ना भगवान की। अननेसेसरी न्यूज़पेपर पकड़ के 2-3 घंटे बैठ जाने से क्या होगा, कोई लाभ नहीं होगा। संडे मॉर्निंग सबका फेवरेट पास टाइम होता है, न्यूज़पेपर में 1-2 घंटा खर्च करें और वो सारी लीलाओं का स्मरण करें, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए आज हम लोग भगवान की कालीय लीला का स्मरण करेंगे। और भगवान की लीला तो ऐसी है, जितने बार भी सुने, हर बार वो हमें क्लीन करती हुई, हमें प्यूरिफाई करती हुई, हमें शुद्ध करती हुई जाती है। आप में से कितने लोग हैं जिसको कालीय लीला पता नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। 1-4 साल के बच्चे को भी कालिया लीला पता है, लेकिन फिर भी इस लीला को बार 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 सुनने से क्या होता है, हमें भगवान के ऊपर प्रीति बढ़ती है, भक्तों के ऊपर आसक्ति बढ़ती है, भौतिक इच्छाएं कम होती है, पाप से मुक्त होता है, दुख दूर होता है, मनोग्लानी, सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप से कम हो जाती है। जो पहले
100 इच्छा थी तो अब धीरे 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 करके 50, 40, 30 कम होती हुई चली जाएगी। तो इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आज हम लोग कालिया लीला से चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक बोलते हुए जाएंगे हम, देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर सके। ये कालिया लीला कहाँ शुरू होती है, जहाँ गोचरण लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे ठाकुर जी रोज़ गायों को चराने के लिए ले जाते हैं, और वे सुबह जब जाते हैं तो सारी गोपिकाएं और यशोदा माता उनके तरफ देखती हुई खड़ी रहती है, और तब तक खड़े रहते हैं जब तक वो दूर तक ना चले जाए, और गायों की और बछड़ों की और जो गोप बालक जब चलते हैं तो वो जो धूल उड़ती है आकाश में सब काला लगता है, तो थोड़ी देर तक वो धूल ऐसी ही रहती है और फिर धीरे धीरे वो नीचे हो जाती है। तो जब तक वो धूल नीचे नहीं हो जाती है तब तक वो खड़े रहते हैं, उनको विदा करते हैं, और शाम को फिर गोपिका गाय सब इंतज़ार करती है कि भगवान वापस कब आएंगे। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में वो बोलते हैं कि गोपिकाएँ इतना तीव्र भाव से इंतज़ार करती थी क्योंकि उनका जीवन का पोषण होता था भगवान को देखना। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य हम सुबह खाते हैं कि पूरा दिन हमको शक्ति मिले, हम रात को खाते हैं कि हमें रात को जो है शक्ति मिले जब हम सो जाते हैं, उसी तरह से ये गोपिकाओं को क्या होता था, वे सुबह एक बार भगवान को देख लेती थी तो उनको पोषण मिलता था पूरा दिन जिंदा रहने के लिए, और फिर शाम को जब एक बार फिर से ठाकुर जी को देखती थी तो उनको पोषण मिलता था रात को जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये जो पूरा समय भगवान का वह इंतज़ार करते रहती थी, तब वे सूर्य को चंद्र को कोसते रहते थे। सुबह जैसे ही ठाकुर जी गायों को चराने के लिए ले चले जाते तब गोपियों का एक ही काम होता था, सूर्य की तरफ देखते रहती थी और बोलती थी कि भाई साहब आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका टायर पंचर हो गया क्या, थोड़ा स्पीड में जाओ, थोड़ा स्पीड में जाओ, शाम आने दो सो दैट भगवान जल्दी वापस आए, हम कृष्ण को देख सकें। और रात होने से वो चंद्रमा को डांटती थी कि भाई व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इतना धीरे, थोड़ा स्पीड सुबह आने दो सो देट हम फिर से कृष्ण को देखें। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कैसे यशोदा माता गोपिकाएँ सब कृष्ण का इंतज़ार करती थी, और जब शाम को कृष्ण गोचरण से आ जाते थे तो यशोदा माता उनका मसाज करती थी, उनको नहलाती थी, उनको स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती थी और फिर उन्हें सुला देती थी। अब ये जब लीला हुई तब ठाकुर जी की एज बहुत छोटी है, पौगंड लीला, पौगंड एज में वो जस्ट प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की जो एज है वो चार डिवीजन है उसके, कुमार अवस्था माने 0 to 5 years माने जन्म से लेके 5 साल तक, और पौगंड माने 6 से 10 साल, और फिर 11 साल से 15 साल तक किशोर अवस्था, और 15 साल के बाद में युवक। तो यहाँ पे भगवान छठे वर्ष में एंटर किए हैं, और गोपाष्टमी जस्ट हो गई है, कार्तिक मास गया है, हमको पता है कार्तिक मास में ये जो गोपाष्टमी की लीला होती है वहाँ पे क्या होता है, ठाकुर जी यशोदा माता के साथ में आर्ग्यू करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 6 साल का हो गया हूँ, और कितना दिन मैं ये छोटे छोटे कैफ्स को बछड़ों को लेके चराने के लिए जाऊँगा, अब मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मैं गायों को लेके जाऊँगा। और यशोदा माता बोलती है कि गाय तुम बहुत छोटे हो, गाय इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़े बड़े सिंह होते हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और कृष्ण उनके साथ तर्क करते हैं कि नहीं मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, आगे चल के पिताजी जो कर रहे हैं आप मुझे ही तो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तो अब मुझे दे दीजिए। और फिर बहुत तर्क करने के बाद में यशोदा माता मान जाती है। तो ये लीला जस्ट हो गई है, कार्तिक मास चला गया, गोपाष्टमी हो गई, भगवान अब प्रमोशन हो गया, अब गायों को लेके वे रोज़ चराने के लिए जा रहे आ रहे, बहुत अच्छा से चल रहे हैं, और धीरे धीरे अब ग्रीष्म काल शुरू हुआ माने गर्मी शुरू हो गई। और गर्मी के समय की लीला ये है, भगवान की उम्र केवल 6 साल की है और वे अभी गायों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का श्लोक शुरू होता है, एवं सा भगवान कृष्णो वृंदावन चरा क्वचित यायो रममृते राजन कालिंदिम सखिभिर्वृता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान पहले वत्सपालक थे, अब गोपालक हो गए, पौगंड वयस में आ चुके हैं, सारे गायों को लेके इस ग्रीष्म काल में वह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में गोचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ वृंदावन में घूमे थे,
ठाकुर जी तो बहुत अलग अलग वनों में जाते हैं. आप वृंदावन में देखो तो 12 वन है. मात वन, बाल वन, बेल वन है, लोह वन है, काम्य वन है, ताल वन है, कितने सारे अलग अलग वन है. तो कभी इस वन तो कभी उस वन में वो गायों को लेके जाते थे. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भगवान चलते हैं, जाते हैं वृंदावन चर क्वचित, इतना सुंदर लगता है उनका रूप जब वो बछड़ों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने गोप बालकों के साथ जब वो चल के जाते हो तब इतना आनंद लगता है. और वृंदावन में सारे पेड़, सारे पौधे, सारे वृक्ष, सारे पंखी पंछी सब गा रहे हैं. बहुत सुंदर एटमॉस्फियर है वृंदावन का. और जिस तरह से वो चलते हैं उनकी चाल भी बहुत सुंदर है. हाँ, जिस तरह से वल्लभाचार्य कहते हैं ना अपने मधुराष्टकम में, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम. भगवान कृष्ण मधुरता के, मिठास के राजा है. राजा है मिठास के. बोलते तो भी मीठा लगता है, हंसते तो भी मीठा लगता है, बात करते तो भी मीठा लगता है, चलते तो मीठा लगता है. उनका चरित्र भी मीठा है, उनके कपड़े भी मीठे, उनके शरीर का आकार भी कितना सुंदर है, बस सब कुछ मीठा है. मीठापन के राजा है भगवान. यहाँ पे भगवान की चाल के बारे में भी बताया गया है. तो यहाँ बोलते हैं भगवान सबको लेके वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताया है कि उस दिन भगवान के साथ में बलराम नहीं गए. तो यहाँ पे कमेंट्री में बताते हैं वैष्णवाचार्य कि भगवान जानबूझ के कुछ लीलाओं में बलराम जी को साथ में नहीं लेके गए, क्योंकि बलराम जी आने से कभी कभी लीला में थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं. जैसे अभी कालिया दमन लीला में वो डिस्टर्ब कर देंगे. अगर बलराम जी को साथ में लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो वो कृष्ण को कालिया हृदय में खोदने के लिए ही अलाउ नहीं करेंगे. बोले नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. अब देखो तो आघासुर की लीला में भी बलराम जी नहीं थे. बलराम जी का जन्मदिन था, वो नहीं थे. और ब्रह्म विमोहन लीला बलराम जी को नहीं पता था. जब पूरी लीला ख़त्म हो गई तब उनको पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या. और यहाँ पे भी जान मुझ के कृष्ण लेके नहीं गए. उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था तो रोहिणी माता कुछ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह कर रही थी तो लेके नहीं गए बलराम जी को. और उनका आंतरिक भाव ये भी था कि बलराम सोचेंगे कि मैं भी तो अनंत शेष हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं खेले, हाँ मेरे साथ तो कभी ऐसा युद्ध नहीं किया, और ये छोटा सा सांप के साथ भगवान इतना ज़्यादा लीला कर रहे हैं. और दूसरी बात ये भी थी कि अगर बलराम जी भी उस दिन चले जाते या बलराम जी भी कृष्ण के साथ अगर खुद जाते कृष्ण को बचाने के लिए, और ऐसा कुछ होता तो ये सारे वृंदावन वासियों को सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था. क्योंकि अगर जब कृष्ण को वो लोग देखेंगे पानी के अंदर सांप के साथ तो उनका बहुत चिंता हो जाएगा. तो उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए बलराम जी को छोड़ के गए थे. नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं. अथ गावश्च गोपश्च निदघात पपीड़िता दुष्टम जलम पापुस्तस्यास तृष्णार्ता विषदूषिताम. बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी. बोल रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है आतप पीड़िता. गोप बालकों को इतना गर्मी लग रही, वो सफ़र हो रहे थे गर्मी के वजह से, और उसके वजह से तृष्णा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा पानी पीने की प्यास लग रही थी. तो यूजुअली उनका रूटीन कैसा होता है, सब जब जाते हैं गाय चराने के लिए तो यमुना का सी, यमुना मतलब एक ही जगह पे यमुना नदी नहीं है. हम भी जब वृंदावन गए हम देख रहे हैं ना, बहुत सारी यमुना की ब्रांचेस है. तो जहाँ यमुना का कोई तट मिलता है वहाँ बैठते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, यमुना नदी का प्रसाद लेते हैं, कोई ना कोई राक्षस का, कोई ना कोई असुर का वध करते हैं. हमने सुना है कैसे कृष्ण लीला में अगर भगवान एक असुर का वध करते हैं माने ब्रेकफास्ट टाइम, दूसरा असुर का वध करते हैं माने लंच टाइम, क्योंकि उन दिनों में घड़ी नहीं थी ना, कोई टाइम देखने का तो था नहीं. और फिर जब तीसरा असुर का वध करते तब उनको पता चल जाता है अभी घर जाने का टाइम हो गया. तो यहाँ पे ये सब बैठे
आ गए इस यमुना नदी के पास कि चलो अभी यहाँ का पानी पिएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। यहाँ पे कमेंट्री में वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि एक्चुअली गर्म तो लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ तो माधव ऋतु आ जाती है, वसंत ऋतु आ जाती है। भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ गर्मी चली जाती है, जैसे भगवान वहाँ आते हैं बादल आ जाते हैं और भगवान के ऊपर में बरसने लगते हैं। जहाँ भगवान आते हैं वहाँ ठंडी हवा आ जाती है, क्योंकि बादलों को भी फिक्र होती है कि भगवान को कहीं गर्मी तो नहीं लग रही है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे वैष्णव आचार्य बोले फिर गर्मी लगी कहाँ से, गर्मी आई कहाँ से, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी है वहाँ तो बादल उनके साथ साथ चलते हैं। और भगवान का एक नाम है माधव, माधव माने वसंत ऋतु। माधव के कई अर्थ है, माधव माने, माधव माने जो लक्ष्मी जी के पति है, माधव माने जो लक्ष्मी महाराज के जो पिताजी थे मधु, मधु राजा के वंशज को भी माधव बोलते हैं। और भगवान ने मधु नाम के एक राक्षस का भी वध किया था, इसलिए भगवान का दूसरा नाम है मधुसूदन। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि भगवान तो माधव है, वो जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ वसंत ऋतु आती है, तो गर्मी क्यों लग रही है? उसका जवाब सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक में देते हैं। विषम्भस्तत् उपस्पृश्या दैवोपाहत चेतसा निपेतुर्व्यासवा सर्वे सलिलंते कुरुद्वहा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं, दैवोपाहत चेतसा। दैवोपाहत माने ये सब भगवान का किया कराया है। वृंदावन में कभी कोई गर्मी वर्मी नहीं होती है, जहाँ पे ठाकुर जी होती है वहाँ वसंत ऋतु होती है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। जिस तरह से कुछ सालों पहले हमारे भारत में ये सिस्टम था, कभी भी कुछ भी गलत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इमीडिएटली हम बोलते थे इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। वृंदावन में कभी गर्मी नहीं होती है, वृंदावन में गर्मी होती ही नहीं, इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। दैवोपाहत चेतसा। और फिर बताते हैं कि सर्वे सलिलंते कुरुद्वहा। सर्वे सलिलंते, एक साथ में सबने पानी पी लिया, उसका मतलब पक्का भगवान का हाथ है। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप कोई पानी पीने जाओ कहीं भी, अब जब इतने सारे एक साथ में हजार लोग जाते हो तो क्या होता है, पहले एक दो चार जने, दस जने, एक सौ जने पानी पीते, फिर वो लोग पी के आते हैं, फिर दूसरों को बोलते पानी इतना अच्छा नहीं है, अरे मत पियो, या तो पानी अच्छा है, कुछ तो कॉन्वर्जेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सब लोगों ने एक साथ में पानी पिया और सब एक साथ में मर गए। सारे गोप बालक, सारे बछड़े, सारी गायें, सब लोग एक साथ में एकदम यमुना के किनारे में पड़े हुए हैं, एकदम सबके प्राण गए। और यहाँ पे एक दूसरी बात बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, किससे बोल रहे हैं ये सारी कथा, परीक्षित महाराज से। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को छोटा सा टॉन्ट मारते हैं सुखदेव गोस्वामी, बोलते हैं कुरुद्वहा, आपको तो पता है क्या होता है जब प्यास लगती है तो क्या होता है, आपको तो पता है ना, दिमाग काम नहीं करता, क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? क्योंकि हजारों बार वो गोप बालकों को बताया गया था कि यमुना के हृदय में ये कालिया रह रहा है, वहाँ जाना मना है। श्रीधर महाराज अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि जहाँ ये कालिया हृदय था, जहाँ ये कालिया नाग था, उसके 8 माइल परिसर में इतना पॉइजनियस गैसेस बाहर आती थी कि उसके आसपास में ना कोई झाड़ थे, ना कोई वृक्ष थे, ना कोई पेड़ पौधे थे, और उसके आसपास में अगर कोई पंछी भी ऊपर से चला जाता तो वो पॉइजनियस गैस ब्रीथ करते मर जाता था। तो बच्चों को पहले से वार्न किया गया था कि तुम लोगों को जहाँ भी जाओ खेलो, उस जगह में तुम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन इतने बार बताने के बावजूद भी बच्चे उधर चले जाते, क्योंकि जब प्यास लगती है तब दिमाग काम नहीं करता है। बोलते हैं ना कि जब भूख लगती है तो चूहे पेट में नहीं दिमाग में दौड़ते हैं, और जब दिमाग में दौड़ते तब एकदम ब्रेन काम नहीं करता। और यहाँ तो और भी बात बता रहे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी वही किया था। परीक्षित महाराज ने क्या किया था, जब उनको प्यास लगी थी वो समीक ऋषि के आश्रम में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बांध से एक मरे हुए सांप को उठाया, समीक ऋषि के गले पे डाल दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था, मुझे इतनी प्यास लग रही है और ये मुझे पानी भी नहीं पूछ रहे, इतना ढोंग कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी तपस्या में है, मैं राजा हूँ, मुझे कम से कम पानी पूछना चाहिए था।
और उसके बाद ऑफ कोर्स ये पूरी लीला है, हम तो जानते हैं कि परीक्षित महाराज तो भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको ऐसी कोई प्यास लगती नहीं है जिससे वो किसी ऋषि का या किसी वैष्णव का अपमान करे। ये तो सारी लीला है कि फिर उनको श्राप मिलेगा। शमिक ऋषि का 12 साल का बेटा जो नदी में स्नान करता है, ब्रह्म तेज था उसमें, उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान किया है। वो साथ ही साथ पानी भरता है और श्राप देता है, और श्राप ही नहीं देता है, गालियाँ भी देता है। बोलता है कि जिसने मेरे पिताजी के ऊपर में मरा हुआ सांप डाला है वो एक कौवा है, वो एक कुत्ता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे लिखा है, ऐसा बोलता, इतना गुस्सा उसको आता है और उसको श्राप देता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, और वही परीक्षित महाराज ये करने के बाद उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या सूझी, मेरी मति मार गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमीडिएटली उनको पश्चाताप हुआ, और फिर जब वो वापस आ रहे थे पूरे रास्ता सोच रहे थे कि ये मुझसे गलती हो गई। और जब वे अपने राजमहल में सभा में बैठे थे तब किसी ने आके उनको बताया कि देखिए शमिक ऋषि के बेटे ने आपको श्राप दिया है। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज के मुंह से निकलती है बात, साधु साधु, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़ दिया। अब साधारण तो सोचे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो इस गलती का फल तो मुझे मिलना ही है, लेकिन अभी मिलेगा तो सस्ते में पट जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। सारे बिजनेस माइंडेड है ना, तो सोचते हैं कि अभी मिल जाए, जो मैंने गलती किया अभी मिल जाए। तो इसीलिए जब हम गलती करते हैं तो हमें तो बोलना चाहिए गुरु को कि पनिशमेंट दे दो, नहीं दोगे पनिशमेंट तो फिर इंटरेस्ट के साथ जमा, कुछ तो मुझे पश्चाताप दे दो। पूर्व में क्या होता था, जब वो कोई गलती करते थे तो पश्चाताप ले लेते थे अपने आप से। अर्जुन ने गलती की थी, उसने पश्चाताप ले लिया ना, साधु के रूप में वो पूरा भ्रमण कर रहा था। आपको पता है ये कहानी, आज इस कहानी में नहीं जाऊंगी, पर है एक कहानी। तो ऐसा गलती करने से वो चाहते हैं कि हमें पनिश कर दो, सो देट हमारा हिसाब यहाँ का यहाँ ख़त्म हो जाए। तो परीक्षित महाराज अगर सच में भूख के मारे ऐसा किए होते तो फिर ये श्रीमद् भागवतम 7 दिन 7 रात बिना पिए बिना खाए कैसे सुन पा रहे हैं। द होल सेटअप इज दैट, यहाँ पे जो लिखा है ना, दैवो पहात, सब भगवान का इसमें हाथ है, जानबूझ के ये लीला किए, सो देट सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, परीक्षित महाराज सुनेंगे, और फिर उसके उनके उनके कारण से हमें भी ये सुनने का चांस मिलेगा। मैं बहुत बार बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो दूरदर्शन में ये प्रोग्राम आता था आरोग्य श्री, जिसमें एक लेडी जो है रोज़ एक नए नए रोग के बारे में पूछती थी, हार्ट डिजीज़ हो तो क्या करना चाहिए, शुगर हो तो क्या करना चाहिए, कैंसर हो तो क्या करना चाहिए। और मैं एक बार मेरी मम्मी को पूछ रही थी कि इस लेडी को इतनी सारी डिजीज़ हैं, फिर मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं नहीं उसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो तो हमारे बिहाफ पे पूछती रहती है। नहीं तो मैं घबरा गई कि इसको, कल तो बोल रही थी उसको कैंसर है, आज तो डायबिटीज़ है, उसको इतनी सारी डिजीज़ कहाँ से। तो परीक्षित महाराज को तो कुछ नहीं है, वो तो हमारे लिए वो पूछ रहे हैं, और हमें परीक्षित महाराज के माध्यम से ये ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे कि ये भाई जो है भगवान का इसके पीछे हाथ है। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी आप सीन देखिए, यमुना नदी, नदी के तट पे सारे गाया और सारे गा बछड़े और भगवान के जो नित्य पार्षद, उनके जो गोप बालक है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, सब वहाँ पर मरे पड़े हुए। अब उसके बाद भगवान आते पीछे पीछे, साधारण तो ऐसा होता ही नहीं, भगवान पीछे और कोई आगे जाएगा ही नहीं, या तो भगवान के पीछे रहेगा या तो उनके साथ साथ चलेगा। और फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, बहुत सुंदर बात, वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरा इक्षयामृत वर्षिन्या स्वनाथन समजीवयात। सिर्फ अपनी आँखों से उनके तरफ देखते हैं और सब में फिर से प्राण आ जाता है। सच ए ब्यूटिफुल थिंग, क्या किया ठाकुर जी ने, सिर्फ उनके सामने देखा, और देखने से क्या हुआ, अमृत वर्षा। फिजिकली उनको कुछ करना नहीं पड़ा, अमृत वर्षा। सी यही तो डिफरेंस है भगवान में और साधारण मनुष्य में, हमारी इंद्रियां लिमिटेड है, हम खाएंगे तो ऐसे हाथ से खाएंगे, चबाएंगे तो मुंह से चबाएंगे, हम कभी खाना कान में नहीं डाल सकते, खाना नाक में नहीं डाल सकते, हर एक इंद्रिया वही काम करती है जिसके लिए उसको बनाया गया है। लेकिन भगवान की इंद्रिया ऐसी नहीं है, हम जब भगवान को भोग धरते हैं, अब भगवान को 10 गुलाब जामुन धरो, अनूप क्या होता है, क्या वो 5 हो जाते हैं, 10 के 10 ही रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं भगवान ने भोग एक्सेप्ट कर लिया या पा लिया। कैसे पा लिया,
खाया तो कुछ नहीं है, वहाँ से कुछ हिला तो नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान को खाना है तो उनको हाथ से खाना पड़ेगा या मुँह से चबाना पड़ेगा. वो आँख से भी देखते हैं तो हमारा भोग उन्होंने स्वीकार कर लिया. ऐसी होती है भगवान की इंद्रिया. तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान अपनी आँखों से उनको देखते हैं और अमृत वर्षा करते हैं. सी इसलिए तो हम भगवान को देखें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान हमें देखे. ये बात समझ में नहीं आती भक्तों को, इसलिए क्या करते हैं, अक्सर भगवान का दर्शन करने के लिए दूसरे को पुश करते हैं. आप देखते हो जब लाइन लगी होती है भगवान का दर्शन करने के लिए, सबको ये एक ही होता है कि मैं इसको पुश करूं, मैं इसको पुश करूं और मैं सामने जाके भगवान को देखूं. भैया तुम क्या देखोगे, तुम्हारे चर्म चक्षु से तुम क्या देख लोगे भगवान को. सी ऐसे तो बहुत सारे भिखारी लोग भी करोड़पति को देखते हैं, उसको कोई फ़र्क पड़ता है, उस भिखारी को कुछ नहीं. लेकिन वो करोड़पति अगर भिखारी की तरफ देख ले तो उसकी लाइफ बन जाती है. हम देखें भगवान को क्या, हमें इतनी सेंस भी नहीं है क्या देखना चाहिए, कैसे भाव से देखना चाहिए. लेकिन ठाकुर जी अगर हमारे सामने देख ले तो हमारा काम बन जाता है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जिस तरह से एक गाय जब अपना बछड़ा उसके पास आता है ना, तो कभी कभी बछड़ा एकदम गंदा होता है, माटी धूल सब रहता है. वो बछड़ा क्या कर, बछड़े को गाय क्या करती है, अपनी जिह्वा से उस बछड़े को चाट चाट के उसको पूरा शुद्ध कर देती है. बोलते हैं उसी तरह से ठाकुर जी भी जब अपनी आँखों से भक्तों को देखते हैं तो अपनी आँखों से उनके सारे पापों को वो मिटा देते हैं, सारे धुला देते हैं. तो इसीलिए जब हम भगवान के मंदिर में जाए, भगवान की दर्शन करने की कोशिश करें, तो कभी अफेंस ना करिए, किसी भक्त को धक्का मार के आगे जाने की कोशिश मत करिए. क्योंकि भगवान की आंखें तो बहुत बड़ी है, जगन्नाथ जी की आंखें देखिए कितनी बड़ी है. आप पीछे भी खड़े रहोगे तो जगन्नाथ जी आपको देख पाएंगे. हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरे भक्तों को दर्शन करने के लिए सुविधा देनी चाहिए. आप आगे जाइए, आप दर्शन करिए. और सबसे बड़ा तो मैं एक आपको सीक्रेट बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सामने देखे, कोई भक्त के पीछे जाके खड़े रह जाओ. क्योंकि अगर भूल से भगवान हमारे सामने देख भी लिए ना, तो हमसे जो काम क्रोध मोह मद मत्सर्य की गंध आती है ना, भगवान सोचेंगे इसको कहाँ से देख लिया, मेरा भक्त कहाँ है, उसको देखता हूँ. इसमें तो इतना दम्भ भरा है, सिर्फ खड़ा रहता है बड़ा बहुत बड़ा भक्त जैसे, अंदर में तो कुछ नहीं है, खाली है, मेरा भक्त कहाँ है. तो ये एक मैं टिप आपको दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो ठाकुर जी आपको देखे, जाके किसी भक्त के पीछे खड़े रह जाओ. इसमें फ़ायदा क्या होगा, ठाकुर जी उस भक्त को तो देखेंगे ही जो उसका प्रिय है, और उसके पीछे पीछे हम खड़े हैं तो हमको भी देख लेंगे साइड बाय साइड. तो ये होनी चाहिए भक्त की भावना. हम प्राय देखते बड़े बड़े मंदिरों में, मंगलारती में, दर्शनारती में, इतना मायापुर विशेषतर आप देखो, इतना एक दूसरे को मार मार के जो है आगे जाने की कोशिश करेंगे. हमें ऐसी कोशिश करनी, जब हम दूसरों को भगवान के पास कनेक्ट करेंगे तो भगवान हमें ढूंढेंगे क्राउड में, कौन है ये जिसने मेरे भक्तों को मुझसे कनेक्ट कर रहा है. हमें ढूंढते हुए उनकी आँखें पूरे हॉल में घूमेगी. तो ज़रूरी है कि भगवान हमारे सामने देखें. एक बार बांके बिहारी मंदिर की एक कथा है, सत्य घटना है. एक बार बांके बिहारी मंदिर में बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत सारी लाइन और क्यू थी, और सारे सब क्यू में खड़े थे भगवान का दर्शन करने के लिए. वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो अंधा था, और इसकी रोज़ की रूटीन है, अंधा था फिर भी रोज़ भगवान का दर्शन करने आता था. अब इस दिन जब विशेष रश था तो कुछ यंगस्टर्स वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने बोला इस बूढ़े बाबा को कि भाई हम इतना कष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए भगवान का दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई सेंस बनता है, क्योंकि हमें भगवान दिखते हैं, आप तो अंधे हैं, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं. तो उस बूढ़े बाबा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूँ लेकिन बांके बिहारी तो अंधे नहीं है ना, वो देखेंगे कि मेरा भक्त आया है मेरे दर्शन करने के लिए. भगवान तो अंधे नहीं है ना, वो देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे दर्शन करने आया है. तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान हमको देखे. तो बहुत ही विनय भाव से हमें दर्शन में खड़ा रहना चाहिए, जहाँ पे ठाकुर जी हमारी तरफ देखे. नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं. ते संप्रातिता स्मृतया समुथाया जलंतिका आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षा मना परस्परम. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ठाकुर जी ने उनके तरफ देखा, अमृत की वर्षा हुई, सारे सजीवन से तैयार हो गए, सब एकदम
खड़े हो गए, सारी गाया भी उठ गई और सब परस्पर एक दूसरे से बोले, अरे तुम तो मर गए थे. वो बोलते नहीं नहीं तुम मर गए थे, नहीं 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 मैंने तुम मर गए थे. सब एक दूसरे को देख रहे कि फिर हम जिंदा कैसे हो गए, हम लोग तो सब मर गए थे और परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं. और फिर नेक्स्ट श्लोक में सब सोच रहे कि फिर हम जिंदा हुए कैसे, और फिर सारे भगवान की तरफ देख रहे, गोविंद की तरफ देख रहे कि हाँ गोविंद के वजह से हम सब फिर से जिंदा हो गए. तो इस लाइन में बोलते हैं, अन्वमां सत तद राजन गोविंदा अनुग्रह क्षितम पित्वा विषम परे तस्या पुनर उत्थनम आत्मना. बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि यहाँ पे सारे परस्पर बोल रहे हैं कि कौन हो सकता है जिससे हमें बचाया, ये तो गोविंद का काम है. कितनी सुंदर बात यहाँ समझने वाली. यहाँ पे कोई भी गोप बालक ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं वो तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है इसलिए मैं ठीक हो गया. दे आर रेडी टू गिव क्रेडिट टू द लॉर्ड. हमारा प्रॉब्लम ये है कि दो एवरीथिंग इज़ डन बाय द लॉर्ड, हम हमेशा उसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं. ये जो हम आरती के बाद बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू गुरु, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौड़ांगा, ऑल ग्लोरीज टू, इसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज मतलब ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट टू गुरु एंड गौरांगा. मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो भी है गुरु एंड गौरांगा की मर्सी से. लेकिन ये सिर्फ बोलने में हम कर रहे हैं, क्या कभी हमारे अंदर में ऐसी फीलिंग है कि गुरु एंड गौरांगा की वजह से हो रहा है? फीलिंग तब आती है जब हम अनसक्सेसफुल हो. जब हम कोई चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर हम फिलॉसफी बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमने तो कोशिश की लेकिन भगवान के हाथ में है, भगवान जो चाहे वो होता है, उसमें हम क्या कर सकते. लेकिन वही अगर सक्सेस हो गया तो मेहनत की थी मैंने, मेहनत मैंने की थी, वहाँ भगवान की वजह से हुआ ये बात बिल्कुल नहीं आएगी. मैंने मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी, आई वर्क रियली हार्ड. भगवान को क्रेडिट हम नहीं देते. गलती कुछ हो जाए तो उनकी प्रॉब्लम, अच्छा कुछ हो जाए तो हमारा हार्ड वर्क, ये हमारी मेंटालिटी है. मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन एक कोकोनट के झाड़ पे चढ़ रहा था, नारियल के झाड़ पे. अब उसने देखा दूर से कि बहुत सारे नारियल है, तो सोचा कि चलो इसको मैं लेता हूँ. तो चढ़ना तो चढ़ गया स्पीड में, फटाफट फटाफट ऊपर चला गया, सारे नारियल तोड़ लिए, सब अच्छा हो गया. जब नीचे उतरने की बारी आई तो उसको थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि नारियल का झाड़ तो बहुत ऊँचा होता है और नीचे ज़मीन जब उसको दिख रही है लगा कि अगर मैं गिर ना जाऊँ, उसको डर लगने लगा. और तभी देखा कि हवा का झोंका आ रहा है और नारियल का झाड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है. अब जब वो डर गया तो भगवान को प्रार्थना करने लगा, बोला ठाकुर जी मैं क्या करूँगा, ये नारियल का सब आपको ही दे दूँगा, आपकी सेवा के लिए उपयोग करूँगा, आपके सेवा में आया हूँ, बचाना तो आपको है. अब जैसे उसने ऐसा बोला हवा का झोंका कम हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा. जब थोड़ा सा नीचे उतरा तब उसने बोला कि भाई नारियल के झाड़ को ढूंढा मैंने, चढ़ा मैंने, नारियल को तोड़ा मैंने, 100% भगवान को देने की क्या ज़रूरत है, 50-50 मैं 50% नारियल रख दूँगा, 50% भगवान को दूंगा. फिर थोड़ा और नीचे आया, फिर थोड़ा और नीचे आया, देखा अब तो आसानी है, बस थोड़ा सा ही है. और फिर बोला कि भाई नारियल का झाड़ पे चढ़ा मैं, मेहनत मेरी, भगवान को जो है स्लीपिंग पार्टनर बना देते हैं, 25% उसका, 75% मेरा. अब जैसे उसने ऐसा बोला हवा का झोंका आने लगा, नारियल का झाड़ हिलने लगा, अब उसको डर लग गया कि वो कैसे भी करके अब शायद गिर जाए. अब इमीडिएटली उसने भगवान को बोला कि अरे यार जोक समझा करो, मैं तो मजाक कर रहा था, 100% तुमको ही दूंगा, वो तो मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, ना जोक भी नहीं समझे, मुझे नीचे उतारो. ये हमारा एग्जैक्ट, हम ऐसे ही है, हमारी मेंटालिटी. जहाँ भगवान की ज़रूरत है वहाँ पर एकदम हाँ हे भगवान, हे बालाजी मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ तुम्हारा मेरा क्या है, सब कुछ आपका है, मैं दे दूंगा. लेकिन जैसे देखते हैं कि थोड़ा 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 सक्सेस आया तब लगता है मेहनत मैंने भी तो की है, थोड़ा थोड़ा हम 50-50 बांट लेंगे. और धीरे धीरे क्या हो जाता है, भगवान को हम भूल जाते हैं, उनके लिए सिर्फ 10 रुपये हुंडी में और एक नारियल 12 रुपये का, बाकी हम सब भूल जाते हैं. तो यहाँ पर बोल रहे कि नहीं, गोप बालक ऐसे नहीं है, वो हर चीज़ के लिए क्रेडिट देते कि ठाकुर जी ने मुझे बचा, ये तो बस भगवान की कृपा है. एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब भी हम किसी को प्रचार करने जाते हैं
तब ये सारी बातें कोई नहीं बताता कि अरे भगवान कृष्ण ने अपनी आँखों से देख के गोप बालकों को बचा दिया, भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को उठा लिया, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बचा दिया, भगवान कृष्ण ने पांडव को ये सारी बात कोई नहीं पूछेगा। आप किसी को भी भगवद्गीता देने के लिए जाओ, प्रचार करने के लिए जाओ, सबसे पहले पूछेगा अरे आपके कृष्ण झूठ क्यों बोलते हैं, आपके कृष्ण ने वचन दिया था कि वो जो है वेपन नहीं उठाएंगे, लेकिन महाभारत के वॉर में वो वेपन उठा के भीष्म के साथ फाइटिंग करने के लिए चले गए। आपके कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला, आपके कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला क्यों करते थे, आपके कृष्ण 16108 रानियों से शादी क्यों किया, युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला, जयद्रथ को ऐसे क्यों मारा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, लेकिन अच्छी अच्छी बातें कोई नहीं बताता। एक बार एक आदमी ऐसे ही पूछ रहा था हमारे इस्कॉन के कोई महाराज जी को कि भाई महाराज जी आप कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता, 16108 शादियाँ क्यों की कृष्ण ने, हमको तो आप बोलते कि बहुत अच्छा यू नो फोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन उन्होंने 16108 शादियाँ क्यों की। महाराज जी उस दिन बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बोला कि शादियाँ करने के लिए तेरे बाप से उधार लिया था क्या, तेरा प्रॉब्लम क्या है, भगवान ने 16108 शादी की, तेरे बाप से उधार लेके शादी की थी क्या, उनके पैसे से की, तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान से ईर्ष्या क्यों, भगवान से ईर्ष्या क्यों। और महाराज जी गुस्सा से बोले बोल तेरे से तो एक लुगाई नहीं संभलती, माने व्रज भाषा में एक बीवी नहीं संभलती, और तू भगवान के साथ में तर्क करता है कि उन्होंने 16108 शादियाँ क्यों की। सी भगवान के साथ हमारा कोई कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, ऊपर के लोकों में जो होता है उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप द्वारका नगर में गाड़ी लेके घूम रहे हो, रेड लाइट आ गई, आपने गाड़ी रोक दी, फिर आप ऊपर आकाश की तरफ देख के बोलते हो कि ये स्पाइस जेट का ड्राइवर बेवकूफ़ है क्या, रेड लाइट है फ्लाइट क्यों नहीं रोक रहा है, उसको समझ में नहीं आता क्या यहाँ पर रेड लाइट है फ्लाइट क्यों नहीं रोक रहा है। वो नहीं रोकेगा, ये लाइट तुम्हारे लिए है, तुम नीचे हो भूमि में, तुम कार चला रहे हो, उसका ट्रैफिक सिग्नल अलग है, तुम्हारा ट्रैफिक सिग्नल अलग है। तो भगवान का, देवताओं का, ऊपर में जो लोग निवास करते हैं उनका सबका अलग ट्रैफिक सिग्नल है, उनका सबका अलग सिस्टम है, हमारा अलग सिस्टम है, उनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ बहुत सुंदर बात, दे आर सो डिपेंडेड ऑन द लॉर्ड एंड दे हैव सो मच फेथ ऑन द लॉर्ड कि ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की है। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। श्री सुक उवाच विलोक्या दूषिताम कृष्णम कृष्णा कृष्णहीना विभूः तस्य विशुद्धिम अन्विच्छान् सर्पम तम उदवासयात्। बहुत ही सुंदर एंड पोएटिकली यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सिंपली पूरा कालीय कृष्ण लीला एक श्लोक में ख़त्म करते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं काले काली यमुना में काले कृष्ण खुदे और काले कालिया को माने काले सर्प को वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। सिंपल तीन लाइन में पूरी कालिया कृष्ण की कथा खत्म। काली यमुना में काले कृष्ण ने खुद के काले सर्प को वहाँ से भगा दिया। आज का क्लास यहीं खत्म, महाप्रसाद गोविंद। फिर परीक्षित महाराज बोलते नो 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 ऐसे नहीं हो सकता, यू हैव टू टेल अस डिटेल्स। बहुत सुंदर कि ऐसे आप कितना शॉर्ट में कैसे बोल सकते हो, आपको डिटेल्स बताना है। यहाँ पे बहुत सुंदर आप अगर उनका राइमिंग देखो, विलोक्या दूषितम कृष्णम कृष्ण कृष्ण ही ना विभु, कृष्णा कृष्णा यमुना का नाम है कृष्णा, क्यों उसका नाम है कृष्णा, क्योंकि कृष्णा जैसी काली है, सो इसका नाम। द्रौपदी को भी कृष्णा बोलते थे क्योंकि उसका रंग भी थोड़ा सा सांवला था। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताता है तस्या विशुद्धिम अन्विच्छम सर्पम तम उदावसयात। बोलते हैं कि यमुना नदी को प्यूरिफाई करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए भगवान ने कालिया को यमुना नदी से बाहर निकाला। वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि ये कालिया लीला के पीछे भगवान के बहुत सारे कारण थे। एक तो भगवान की इच्छा थी कि व्रजवासियों को तकलीफ ना हो, कि व्रजवासियों को तकलीफ होती है जब उन्हें पानी पीना है तो उन्हें कोई और यमुना के तट के पास जाना पड़ता है, दूर में जाना पड़ता है, तो वो चाहते थे कि व्रजवासियों को तकलीफ ना हो। और कभी कोई और गांव से आते थे, कोई और वन से आते थे, तो उन्हें भी तकलीफ़ होती थी। और ठाकुर जी चाहते थे कि यमुना नदी की मदद करे क्योंकि यमुना बहुत सफ़र कर रही थी, जब उसके पानी में ये सब हो रहा था तो उनको कष्ट हो रहा था। ठाकुर जी को यमुना बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। वराह पुराण में बोलते हैं कि गंगा और यमुना में अगर आप कंपैरिजन करो
तो यमुना अगर गंगा जी को 100 बार प्यूरीफाई किया जाए तो वो है यमुना जी. जब गंगा 100 बार प्यूरीफाई हो जाती है तो उनको यमुना जी बोला जाता है. उतना यमुना जी का महिमा है. यमुना जी भगवान को बहुत प्रिय है. एक बार गरुड़ जी जो सांप खाते हैं वो उनका भोजन है, एक सांप को लेके जो है खाने के लिए एक सांप को उठाया अपनी चोंच में और यमुना नदी के ऊपर से चले जा रहे थे. अब सांप कैसा होता है, लंबा लंबा कॉइल होता है ना, तो अब गरुड़ जी जब उसको पकड़ के जा रहे थे तो सांप का जो नीचे का पोर्शन है, टेल है, वो यमुना नदी में भीग गया, पानी में भीग गया, क्योंकि ऐसे नीचे से वो फ्लाई करके जा रहे थे. अब जैसे वो सांप का शरीर यमुना नदी को छू गया, वो सांप को क्या हो गया, मोक्ष मिल गया, चार भुजाओं विष्णु रूप में वो तैयार हो गया. अब गरुड़ ने सोचा मैंने गलती कर दी, आज का तो खाना मिस हो गया. खाना था उसको सांप, यमुना नदी को छू गया, सांप का मोक्ष हो गया, वो चार हाथों वाला विष्णु मूर्ति का रूप उसको मिल गया. गरुड़ ने बोला ठीक है आ जाओ, पीठ के पीछे वैकुंठ में ड्रॉप कर देता हूँ. अब 1 मिनट में मोक्ष और कुछ नहीं, बस यमुना नदी का स्पर्श और सीधा मोक्ष. तो उतना पावरफुल है यमुना नदी. तो ठाकुर जी ने यमुना नदी को प्यूरिफाई करना था, गोप बालकुल को आनंद देना था, और शायद वो चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में उल्लेख हो और संडे को हमें एक नई टॉपिक मिले बात करने के लिए. तो ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से जो है भगवान ने यमुना नदी को साफ किया. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण भगवान ने क्यों ये किया, ऑफकोर्स कालिया का उद्धार करना चाहते थे, लेकिन कालिया का उद्धार क्यों करना चाहते थे उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है. क्योंकि कालिया की जो पत्नी थी, जो पत्नियाँ थी एक्चुअली प्लूरल, वो सारी भगवान की विशुद्ध भक्त थी. और जैसे कि हम जानते हैं जब हम भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री पास मिल जाते हैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए. तो कालिया बेशक एनवियस था, ईर्षा से भरा हुआ था, बैरी भाव से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन उसकी जो पत्नियां थी वो सारे भगवान के भक्त थे. अभी हम लोगों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये भजन गाया ना, उसमें एक लाइन आती है ना, जया द्विजा पत्नी जाया नाग कन्या गान भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण. द्विज पत्नी ब्राह्मण की पत्नियाँ और नाग पत्नी, ये दोनों ही बहुत अच्छी भक्त थी. हम ब्राह्मण की कथा में भी देखते हैं कि वे नहीं गए भगवान को प्रसाद देने के लिए, लेकिन ब्राह्मण पत्नियाँ भगवान के लिए प्रसाद लेके गई. और कालिया के एपिसोड में भी हम देखते हैं कि कालिया की जो नाग पत्नियाँ थी वे बहुत सुंदर भगवान की भक्त थी, और उनको खुश करने के लिए, उनके पति का उद्धार करने के लिए या उनको वहाँ से निकालने के लिए भगवान आते हैं. हमारे गुजरातियों में बहुत सुंदर भजन है ये नागपत्नियों का और कृष्ण का कॉन्वर्जेशन का. आज वो भजन लेके हम क्लास कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ गई. तो ये जो नागपत्नी और उनका जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है. उसमें भगवान की और नागपत्नी के इनोसेंस जिस तरह से हो, क्योंकि नागपत्नी एट वन मोमेंट भगवान को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि भगवान तो छोटे से बालक है, तो उनकी सोच में भी नहीं था कि भगवान ऐसे होते हैं. भक्ति तो कर रहे थे लेकिन कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है. और जब फाइनली इस लीला के माध्यम से भगवान यमुना नदी में कूदते हैं और उनको भगवान का मुखामुखी दर्शन होता है तो पहले तो वो पहचान नहीं पाते कि ये कौन है, वे सोचते हैं कि छोटा सा बालक है. तो बहुत सुंदर ये भजन है, गुजराती में है, आपको समझ में नहीं आएगा पर मैं ट्रांसलेट करूँगी. जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा स्वामी अमारो जाग से ने तने मार से ने बाड़ हत्या लाग से. जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा, जब ठाकुर जी उस यमुना नदी में कूदते हैं तब ये सारी नागपत्नियाँ बोलती है जड़ कमड़ छाड़ी जाने बाड़ा. बाड़ा माने छोटा बच्चा, जैसे हम तेलुगु में बोलती है नाना, प्यार से बुलाते हैं ना बेटा आ जाओ, तो वैसे ये नागपत्नियाँ बोलती है, बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम इस जल में जो आए हो तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है. जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा,
स्वामी अमारो जागशे, हमारे जो पतिदेव है वो उठ जाएंगे, और अगर वो उठ गए और उन्होंने देख लिया तुमको, जागशे ने तन मार से ने बाढ़ हत्या लागशे, अगर वो जागेंगे तुम्हें मारेंगे, और फिर क्या होगा, उनके मस्तक में बाल हत्या चित्रगुप्त लिख देगा कि इसने एक छोटे बच्चे का वध किया। तो काइंडली आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर ठाकुर जी को जाते नहीं है, वो तो यहाँ वहाँ उस अपनी गेंद को ढूंढ रहे हैं ना, पानी में गेंद गिर गई है तो गेंद को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे लेकिन जा नहीं रहे हैं। तो फिर ये नागपत्नियाँ बोलती है भगवान को, बोलती है कहे बालक तू मार्ग भूलियो के तारा वेरिए वड़ावियो, निश्चय तारो कड़ज फूटियो वहीं तू सिद्ध आवियो। बोलता है कि बेटा क्या तुम रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए, गलती से यहाँ आ गए क्या। कहे बालक तू मार्ग भूलियो के तारा वेरिए वड़ावियो, नहीं 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 मार्ग भूल, मुझे लगता है किसी तुम्हारे कोई दुश्मन ने, तुम्हारा कोई एनिमी ने जान मुझके तुमको इस नदी में धकेल दिया है सो देट तुम यहाँ अपने प्राण को त्याग कर दो। तो कहे बालक तू मार्ग भूलियो, क्या तुम्हारे दुश्मन ने तुमको भेजा है। थर्ड सेकेंड लाइन में बोलते हैं जो भी हो, या तो तुम मार्ग भूले हो या तुम्हारे दुश्मन ने भेजा हो, एक बात तो कन्फर्म है तुम्हारा आज किस्मत फूट गया है, काड़े जो फूटियो तुम्हारा आज किस्मत फूट गया, क्योंकि यहाँ से तुम जिंदा बच के नहीं जा सकते हो। तो उस पर कृष्ण भगवान बहुत ही अहंकार से वो नागपत्नियों की तरफ देख के बोलते हैं नारे नागन ना हूँ मार्ग भूलियो ना मारा वेरिए वरावियो, मथुरा नगरी मजुगत रमता नागनु शिशहारियो। नहीं 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 मैं कोई मार्ग वार्ग भूला नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, ना मेरे किसी दुश्मन ने मुझे भेजा है, मैं किस लिए आया हूँ, एक्चुअली मैं मथुरा गया था, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं डाइस गेम खेल रहा था, डाइस में मैंने शरत में तुम्हारे पति का सिर लगा दिया, मैं हार गया, तो वो लोग बोला जाके उसका सिर लेके आओ, तो मैं सिर लेने के लिए आया हूँ। अब नाग पत्नियों को आ रहा है गुस्सा, छोटा बच्चा बातें तो देखो कैसी कर रहा है, क्या ओडासिटी, देखो कितना अहंकार से तुम्हारे नाग का सिर लेने के लिए मैं आया हूँ। अब नागपत्नियाँ बोलती है रंगे रूढ़ो रूपे पूरो दिशंत कोड़ियो कोड़ा मनो, तारी माता ए केटला जन्म्या ए मातू अलखा मनो। अब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि दिखने में तो ये ठीक ही है, ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहा है, रूपे पूरो रंगे रूढ़ो देखने में भी सुंदर है, पूरा पूरा शरीर सब ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ टूट गया है पैर टूट गया है कुछ प्रॉब्लम है, रंगे रूढ़ो रूपे पूरो दिशंत कोड़िलो कोड़ामनो, कोई देखेगा तो नज़र लग जाएगा उतना सुंदर है तुम, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे कैसे भेज दिया, वो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया होगा, उनको पता ही नहीं चला कौन सा बच्चा कहाँ है। तारी माता है केटला जन्मिया, कितने बच्चों को जन्म दिया रे तेरे माँ ने, पता भी नहीं है उसको कौन सा बच्चा कहाँ चला गया, ऐसे कैसे तेरे को यमुना नदी में भेज दिया। अब कृष्ण उसका जवाब देता है मारी माता ए बेव जन्मिया ए महु नटवर नानुढ़ो, जगाओ तारा नागने मारू नाम कृष्ण कानुढ़ो। बोल रहे हैं मेरी माँ को ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं, दो ही बच्चे हैं, उसमें से मैं छोटा वाला हूँ, नटवर नानुढ़ो मैं छोटा वाला हूँ, ये सब बातें क्यों करना, तुम जाके पहले तुम्हारे पति को उठाओ और उसको जाके बोलो मेरा नाम है कृष्ण कानुड़ो, मैं आया हूँ उसको उठाओ, ये सब बातों में तुम टाइम वेस्ट मत करो। अब वो नागपत्नी बोलती है उसको मना रही है कि छोटा बच्चा इसको मनाए तो कैसे मनाए, अब छोटे बच्चे को कैसे मनाते, कुछ ना कुछ टॉय हाथ में दे देने से भूल जाएंगे ना, अब नागपत्नी के पास में क्या टॉय होगा, अब उनके पास में क्या था, बहुत सारे मनी माणिक्य होते थे क्योंकि वो लोग महातल से आए थे और महातल में जितने भी सांप होते उनके सबके जो फेन होते उस पर मनी होता है और उनके पास बहुत सारी मनी माला सोना वोना उनके पास बहुत होता है। तो फिर वो उसको मनाती है कृष्ण को कि देखो मैं तुमको एक कुछ देती हूँ तुम मान जाओ, लाख सवानो हार आपू आपूरे तुझने दोरियो, इटलू मारा नगती छानो आपू करीने चोरियो। बोलते हैं लाख सवा का हार देने के लिए तैयार हूँ, चाहे तो सोने की दोरिया जो रोप्स होती है ना वो भी मैं तुमको दे दूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा मत मांगना,
उससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकती, इतना ही वो भी छुपा के मेरे खुद के घर में मुझे चोरी करके मेरे पति से छुपा के तुमको देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती, इतना मैं मानो और यहाँ से निकलो। कृष्णा बोलते हैं सुकरुनागन सुकरुनागन हरने तारो सुकरु तारी दोरियो सुकरवा करवी तारे घर मा करवी चोरियो। बोलते नागिन मैं क्या करूँगा तुम्हारे वो 1,25,00,000 के हार को, तुम्हारे वो सोने की दोरिया को, और एनीवे तुम क्यों मुझ पे इतना एहसान कर रही हो, मेरे वजह से तुम्हारे घर में पति को छुपा के चोरी करने की तुमको क्या ज़रूरत है, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है कि तुम मेरे लिए चोरी करोगी। अब ये जो नागपत्नी लोगों को भी गुस्सा आया कि ये मानने वाला नहीं है, अब गुस्सा से वो क्या कर रही है, चरण पछाड़ी मुझ मरोड़ी नागन नाग जगाड़ियो उठो ने बलवंत देखो बाड़क बाई ने आवियो। अब उसको गुस्सा आ रहा है जब, तो क्या करते हैं अपनी जो पैर है ना, जब कभी कभी गुस्सा आता है तो ऐसे जोर से जो पैर ऐसा करते हैं ना, मतलब एकदम गुस्सा से, तो पैर को एकदम गुस्सा से ऐसा करके अपने जो पति है उसकी जो मूछें है, मतलब यहाँ पे ऐसा नरसिंह मेहता बोलते हैं कि उसकी बड़ी बड़ी मूछ है वो कालिया की, तो उसकी मूछ को जाके ऐसा करके मरोड़ रहे, क्योंकि वो उठ नहीं रहा है, जोर जोर से आवाज़ करने से भी उठ नहीं रहा है, तो उसको मरोड़ के बोलते हैं उठो रे बलवंत, बलशाली नाग आप उठिए, बार ने बाढ़ आवियो, देखिए हमारे दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आया है। तो फिर नाग उठ जाता है और फिर यू नो युद्ध करने के लिए दोनों तैयार हैं। फिर बोलते हैं बेउबलिया बाथ वलिया, दोनों बलशाली एक दूसरे से मिल गए और फाइटिंग करना शुरू हो गया। कृष्ण नाग न थाई ओ सहस्र फेने फूक भरता गगन गाजे हाथियो, सहस्र फेन उसके 1,000 फेन है और उससे दोनों का युद्ध शुरू हो गया, और आवाज़ इतना जोर से आ रहा है लग रहा है कि पूरे गगन में हजारों हाथी गर्जना कर रहे हैं, तो कैसा आवाज़ आता है वैसा आवाज़ आ रहा है। और उसके बाद में जब ये नागपत्नी देखती है कि उनके पति डिफ़ीट हो जा रहे हैं और कृष्ण जीत रहे हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये तो भगवान है, इतना छोटे बच्चे में इतना शक्ति कहाँ से आ गया। तो फिर वो नरसिंह मेहता उस लाइन में बोलती है कि ये नागपत्नी अभी दुख करना शुरू कर देता है, शोक करना शुरू करती है, तो फिर ये अब भगवान को प्रार्थना करना शुरू करती है। तो बोलते हैं कि नागपत्नी अब शोक करके बोल रही है नागन सौ विलाप करे के नागन बहु दुख आप से मथुरा नगरी मलय जशे पछि नागनु शिष्य काप से, कि भगवान ये मेरे पति को मथुरा मत लेके जाना, वहाँ जाके उसका शीश मत देखना, मत दे देना, हम पे दया करो। हाथ जोड़ी ने भगवान को हाथ जोड़ रहे वो, हाथ जोड़ी करी विनंती स्वामी मुको हमारा कंठ ने अमी अपराधी कहीं न समझाना ओढ़क्या भगवंत ने, मतलब हम बुद्धू है, हम आपको पहचान नहीं पाए और आप भगवान है समझ नहीं पाए, हमारा गलती हो गया, हमें माफ कर दो। थाड़ भरी ने साग मोती दे श्री कृष्ण ने रे वधावियो नरसैया ना नाथ पसे थी नगन नाग छोड़ावियो जड़ कमल छाड़ी जाने बाड़ा। बोलते कि जो नरसैया के नाथ है, मतलब नरसिंह मेहता के जो नाथ है कृष्ण, उनके चुंगुल से अपने पति को बचा लिया। और जब लास्ट में भगवान को विदा कर रहे थे ये सारी लीला होने के बाद, तब ये नागपत्नियाँ थाल भर के, पूरा बड़ा थाल भर के मोती मनी बहुत सारी अलग अलग प्रेशियस स्टोन्स दे के भगवान को विदा करते हैं। तो बहुत सुंदर ये जो वार्तालाप है। नरसिंह मेहता एक ऐसे भक्त थे जो भगवान की लीला को देखते थे और देखते हुए वो खुद लिखते थे, तो उनके भजन में बहुत सुंदर भाव होते हैं जहाँ पे हर एक डिटेल बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो आज यहाँ ख़त्म करेंगे, आने वाले संडे में हम आई होप कि कोई विघ्न ना आए और हम कालिया लीला कंटिन्यू करें। आने वाले कुछ संडे जन्माष्टमी तक हम कृष्ण लीला ही कंटिन्यू करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
कृष्णा